मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे लोगों की वापसी जारी है। ऐसे में तेलंगाना के सिकंदराबाद में फंसे रायगढ़ जिले के 19 लोग का स्पेशल ट्रेन द्वारा वापस लाया गया, जिनमें सारंगढ़ तहसील से 18 तथा रायगढ़ से एक व्यक्ति शामिल है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फंसे लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। आज रायगढ़ जिले के 19 लोग तेलंगाना के सिकंदराबाद से स्पेशल ट्रेन द्वारा वापस लौटे हैं, जिनमें सारंगढ़ तहसील से 18 तथा रायगढ़ से एक व्यक्ति शामिल है। बिलासपुर स्टेशन पहुंचने पर सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसके पश्चात रायगढ़ से पहुंची टीम उनको लेकर गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो गई। वापस लौटे लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ लौटे इन लोगों ने चर्चा के दौरान बताया कि सभी लोग सिकंदराबाद में काम करते थे और लॉकडाउन होने के कारण वहीं फंसे हुए थे। वापसी के लिए कोशिशें जारी थी, किंतु कुछ समाधान निकलता नहीं दिख रहा था। हमने अपनी जानकारी छत्तीसगढ़ प्रशासन को दे रखी थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रयासों से वापसी के लिए जब ट्रेन की सुविधा उपलब्ध हुई तो प्रशासन द्वारा हमें सूचना मिली, जिसके चलते हम ट्रेन पकड़कर यहां सकुशल वापस लौट पाए। संकट की इस घड़ी में मदद के लिए हम हमारे प्रदेश के मुखिया और छत्तीसगढ़ सरकार के सदैव आभारी रहेंगे। रायगढ़ जिला प्रशासन की ओर से इन्हें वापस लाने हेतु बस की व्यवस्था की गई थी। अब सभी लोगों को उनके गृहग्राम में बने क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों के लिए रखा जाएगा, जहां स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य टीमों द्वारा उनकी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।